भोपाल में निगम प्रशासन ने गणेश विसर्जन का मजाक बनाया। कहीं पर ना तो टेबल लगाए जिन पर गणेश प्रतिमाओं को रखकर उनकी पूजा अर्चना की जा सके, ना ही टेंट व्यवस्था की गई और ना ही पानी के टैंक की व्यवस्था की गई जिसके अंदर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सके, जिससे आम नागरिकों को कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त हो रहा है। गणेश विसर्जन के लिए व्यापक व्यवस्था के लिए इसके लिए अधिकारियों से बात भी की जा रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज 2/11 से सभी भोपाल वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत से लोग 2/11 के दिन भी भगवान श्री कृष्ण का विसर्जन करते हैं। शहर में अलग अलग जगह जब मैं निकला और स्पॉट्स देखे जहाँ पे नगर निगम ने गणेश जी के विसर्जन की व्यवस्था रखी है, तो वहाँ केवल एक बैनर और गाड़ी थी जिससे गणेश जी को ले जाएंगे। लेकिन जो पिछले साल तक जो व्यवस्था रही है उसमें एक टेबल होता था जिस पे अंतिम आरती जो है परिवार करता था, और उसके बाद वो वहाँ पानी के टब में उसको विसर्जन कर देते थे। इससे उसको सर्टिफिकेट होता था कि उसने विसर्जन कर दिया, फिर नगर निगम उस टब को या पानी के टैंक को ले जाके जो तालाब या जहाँ पे भी विसर्जन होना है वहाँ विसर्जन करते थे। तो ये सिस्टम था। मैंने कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात की, नगर निगम कमिश्नर से बात की कि ये व्यवस्था की जाना चाहिए, जो नहीं तो इसमें भगवान गणपति का भी अपमान है कि बगैर आखिरी आरती और जो लोग हैं परिवार वो पूरा विसर्जन नहीं कर पा रहे, जिसमें उनके मन में एक शंका रहती, इसलिए इसको करते हुए मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि ये व्यवस्था भगवान गणपति के विसर्जन के लिए वो करें, और ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।